पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश में नियुक्ति किए गए पदाधिकारियों को कबाड़ की संज्ञा दी थी। इस बात का असर अब कांग्रेस संगठन पर दिखना आरंभ हो गया है। यही वजह है कि आधा दर्जन कांग्रेस पदाधिकारियों ने शहरी कांग्रेस प्रधान जतिन सहनी को इस्तीफा सौंपा है, जिसकी वजह से शहरी सियासत पारा उफान पर चढ़ गया है। और इन इस्तीफों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही कांग्रेस प्रदेश में दो धड़ों में बट जाएगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के जिला में अपने समर्थक हैं, वहीं सुक्खू ने जिला में विभिन्न पदाधिकारी खड़े करके अपनी फौज पहले ही तैयार कर ली है और अब ये फौज सुक्खू के साथ खड़ी नजर आ रही है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने इस्तीफे देकर वीरभद्र सिंह के दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं है। जो दावे लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए किए जा रहे हैं, वे सब बेईमानी नजर आ रहे हैं। शहरी कांग्रेस के महासचिव विनेश धीर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा निवर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर की गई टिप्पणियों से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का अभी तक सबसे अधिक समय तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत किया है। जिस तरह से अध्यक्ष पद के हटने के बाद वीरभद्र समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और पार्टी कमजोर हो रही है। जिस प्रकार से हमारे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने पिछले दिनों हमारे जो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं उनको उनके खिलाफ नाप शनाप बयानबाजी की है, उन्हें कबाड़ की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसके साथ जो हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने अपने पूरे 6 साल के कार्यकाल में पूरे हिमाचल में एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को सम्मान दिया, उन्हें जोड़ा अपने साथ और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना कार्यकाल अपना जो है अपना पूरा किया है। लेकिन जो अब राजा वीरभद्र सिंह जी उनके हटने के बाद भी अनाप शनाप बयानबाजी कर और हिमाचल में जो कार्यकर्ता है उसको दो गुट में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से मेरी तरह कई जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो बहुत आहत हुए हैं। हमें अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी में हमें कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। वहीं शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जतिन सहनी ने कहा कि उन्हें शहरी कांग्रेस सोलन के पदाधिकारियों ने अपना त्याग पत्र सौंपा है, जिन्हें वे शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह शीर्ष नेतृत्व की टिप्पणियों से कार्यकर्ता आहत हो रहे हैं और पार्टी दो गुटों में बंटकर कमजोर हो रही है। आज मुझे शहरी कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष अतुल आनंद जी, महासचिव विनीश धीर, महासचिव रविंदर बख्शी, महासचिव गुरप्रीत सिंह, सचिव अनवर जी और अनिल कुमार के इस्तीफे मिले हैं। ये इस्तीफे मेरे हिसाब से नहीं मिलने चाहिए थे। इससे जो है हमारी पार्टी कमज़ोर होती है। इसमें मुख्यतः जो मुद्दा मैंने देखा है वो है कि हमारे अभी जो पूर्व अध्यक्ष हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके खिलाफ जो हिमाचल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई, उस बारे में आहत होकर इन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको कि भी क्या है ये? देखिए, इस तरह के हमारे कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देना, ये पार्टी इससे कमजोर होगी। पर ये जो इस्तीफे दिए हैं ये हम हाईकमांड से और पार्टी लेवल पर चर्चा करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसा दोबारा ना हो।